फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा अमल जिसमें ठोस जरात सॉलिड पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर अंदर दाखिल होते हैं फेगोसाइटोसिस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सफ़ेद खून के जिस्में खून से गैर ज़रूरी ज़रात जज़ब कर लेते हैं, जैसे सफ़ेद बैक्टीरिया वगैरह को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसको हम सेल एटिंग का अमल भी कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस की एक कस्म है। एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक कस्म है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो अकसाम होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है क्योंकि यहाँ मालिक्यूल्स लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरह हरकत करते हैं। और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरह हरकत करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो अकसाम हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इन दोनों में कोई एनर्जी यूज नहीं होता, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो किस्मों एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दोनों में एनर्जी यूज होता है। और एंडोसाइटोसिस के दो और अकसाम हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस।